नमस्कार, स्वागत है आपका वेब दुनिया समाचार में। बात करते हैं अब तक की बड़ी खबर की। महेंद्र सिंह धोनी ने छोड़ी वनडे और टी20 की कप्तानी। टीम इंडिया के सबसे सफल कप्तान साबित हुए महेंद्र सिंह धोनी ने वनडे और टी20 की कप्तानी छोड़ दी है। 2019 के विश्व कप को देखते हुए धोनी ने कप्तानी छोड़ने का फैसला लिया है। इसका ये मतलब निकला कि टीम इंडिया विराट कोहली के नेतृत्व में खेलेगी। धोनी के अचानक लिए इस फैसले से उनके प्रशंसक हैरान हैं। कयास लगाए जा रहे हैं कि धोनी को संकेत मिल गए होंगे कि उन्हें कप्तानी से हटाया जा सकता है, लिहाजा अपना सम्मान बरकरार रखते हुए धोनी कप्तानी का बोझ नहीं उठाना चाहते हैं, क्योंकि भविष्य के कप्तान विराट कोहली ही हैं। भारतीय क्रिकेट टीम को आने वाले समय में इंग्लैंड के खिलाफ एक दिवसीय सीरीज के अलावा टी20 सीरीज खेलनी है। धोनी का ये मास्टर स्ट्रोक है। ये भी तय है कि धोनी क्रिकेट से संन्यास नहीं लेंगे, बल्कि वे बतौर खिलाड़ी विराट की कप्तानी में मैदान में नजर आएंगे। टीम इंडिया के लिए महेंद्र सिंह धोनी के नाम अनेक कामयाबियां दर्ज है। उन्होंने भारतीय क्रिकेट को बहुत ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। एक समय धोनी तीनों ही फॉर्मेट में कप्तान रहे हैं। पहले उन्होंने टेस्ट क्रिकेट से अचानक संन्यास लिया और अब वनडे कप्तानी छोड़ने का फैसला ले लिया। क्रिकेट में दखल रखने वाले पूर्व कप्तान मदन लाल, चेतन चौहान और अजरुद्दीन ने उनके फैसले का स्वागत किया है। क्रिकेट दिग्गजों का मानना है कि धोनी को मैदान में रहना चाहिए और विराट को तीनों फॉर्मेट का कप्तान बनाया जाना भारतीय क्रिकेट के भविष्य के लिए अच्छा संकेत है। विराट कोहली का प्रदर्शन बतौर कप्तान टेस्ट क्रिकेट में काफी अच्छा रहा है और उन्होंने भारत को कई टेस्ट सीरीज जिताई है। कपिल ने कहा कि वे बहुत बड़े कप्तान रहे हैं और उन्होंने बहुत सेवाएं दी है। वे भारतीय क्रिकेट को बहुत आगे ले गए हैं। और अब नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। SBI का बड़ा कदम, नेट बैंकिंग से नहीं डाल सकेंगे ई वॉलेट में पैसा। केजरीवाल के खिलाफ बयान देने के लिए CBI ने डाला दबाव, राजेंद्र कुमार। अखिलेश के 9 वर्षीय प्रशंसक ने खाया जहर। अमेरिकी सैनिकों के लिए पगड़ी, दाढ़ी और हिजाब को मंजूरी। और नवाज शरीफ के भ्रष्टाचार मामले की होगी रोजाना सुनवाई।